अलैकुम दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि जो भट्ठे का काम है अब कहाँ तक पहुँचा है। तो आपके सामने है ये एक हफ्ते का जो काम है, आपके सामने है जितना काम हो चुका है। अभी मैं भट्ठे की जो चिमनी जहाँ बन रही है, जिसको मीम लाइन बोलते हैं, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आप देखें जो पोजीशन है वो कितनी आगे हो चुकी है। ये देखें इसका जो कवर होता है, इसका ये मुकम्मल हो चुका है। अब ये समझ लें कि आधा जो काम है ये भट्ठे का मुकम्मल हो चुका है। ये मेन चिमनी तक आपको मैं दिखाई दे रहा होगा, मेन चिमनी तक काम हो चुका है। इसको जो खुड्डा बोलते हैं, जी मेन खुड्डा होता है, इधर जो है ये ईंटें निकाली जाएंगी, इसमें फिर मिट्टी आएगी, मिट्टी की भराई होगी इसमें, उसके बाद जो आगे प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। यहाँ पे जो कच्ची ईंटों की जो भराई है अब शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो कच्ची ईंटें लगाई जाएंगी, मेरे सामने आपको दिखाई दे रही है मेन चिमनी बोलते हैं इसको, जहाँ से धुआं निकलेगा। इसकी जो ऊंचाई होती है 60 से 70 फुट तक जाती है। ये देखें लेबर लगी हुई है, काम कर रही है इस पर। ये मैं जो ऊपर आपको चढ़ के इसका मंजर दिखा रहा हूँ कि भट्ठे का जो ऊपर वाला मंजर होता है किस तरह से होता है, क्योंकि ये अभी समझ रहे हैं कि आधा इसका काम हो चुका है, आधा इसका होना है बाकी। A51 जी मुंशी साहब। खुले रखे हैं ये जी, जो आता है ना यहाँ पे ईंटे उतारने के लिए, उसको इनाम दिया जाता है ईंटे उतारने का। ये उसकी मजदूरी के अलावा होता है, जो दिहाड़ी होती है उसके अलावा उसका नाम दिया जाता है।
ये देखें, ये कच्ची ईंटें उतारी जा रही हैं आपके सामने, इसको देख सकते हैं। फिर इसके अंदर ये लगाई जाएंगी, जो बाकी इसकी दीवारें रह चुकी हैं उनके अंदर ही लगाई जाएंगी। ये मेरे दोनों कज़न आए हुए हैं, ये एक वीडियो बना रहे, एक नीचे खड़ा हुआ है। बड़े दूर से आए इस भट्ठे को देखने के लिए कि ये किस तरह से ये भट्ठा बनाया जाता है। मिट्टी आसी बराबर, अच्छा दीवार आना बराबर आना, अच्छा बंद करो बंद कर ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਸੀ ਸਾਰੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਜੱਤੀ ਮਿੱਟੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ, ਹਾਂ ਜੱਤੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਟੀ ਆਸੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਰੋੜਾ ਬਚਾ ਪਏ ਕਿਦੇ ਕਰੇ ਸਾ, ਇਹ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਸਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵਿੱਚ ਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਦੀਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਰੋੜਿਆਂ ਕੋਲ ਬਰੋ ਆ ਕੇ। ਭੱਠਾ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਤਿਆਰ ਸੀ ਵੇਨੇ? ਪ੍ਰਾਇ ਹਫਤਾ ਲੈ ਸੰ ਪ੍ਰਾਇ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਲ ਅਗਰ ਬਣਵਾਓ ਤਾਂ ਵਾਲ ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ? ਵਾਲ 4 ਹਫਤਾ, 4 ਮਹੀਨਾ, ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਨਕਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹਾ ਥਾ, ਇਹ ਬਤਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ 4 ਹਫਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। और जो यहाँ पे वो बता रहे थे कि इधर सारी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी इधर मिट्टी आएगी, और ये जो नीचे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो ईंटें पड़ी हुई हैं, कच्ची ईंटें भी हैं, कुछ और भी हैं, तो ये यहाँ से खाली कर ली जाएंगे, इसके अंदर सारी की सारी जो है वो मिट्टी आ जाएगी। नहीं देखें भैया, दीवार की चुनाई लगा रहे हैं मिस्त्री साहब, लगे हुए हैं सामने वाला जो है, ये जिसने मास्क लगाया हुआ, ये मेन मिस्त्री है इसका पट्ठे का। मैं चलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपको चिमनी की तरफ ले चलो, चिमनी आपको दिखाऊँ कि चिमनी किस तरह से बनाई जा रही है। ये देखें जी, चिमनी जो है तैयार हो चुकी है, और इसकी जो बुलंदी है 60 फुट तक लेकर जाएंगे, 60 से 70 फुट तक। ये चिमनी के कारीगर हैं दोनों जो लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। भट्ठे का काम बड़े जोरों शोरों से जारी है। जी देखो, ये इसके मेन खुदे हैं, मैं आपको और एक बार बताता चलो, ये जो भट्ठा है ये 21 गुलों वाला भट्ठा है। तो ये देखें, ये स्टेप बाय स्टेप इस चिमनी को छोटा करते जाएंगे, शुरू से लेकर एंड तक, जब ये ऊपर तक जाएगी, जो इसकी मुँह की चौड़ाई है 5 फुट स्क्वायर में रह जाएगी, मुरब्बा फुट जिसको हम बोलते हैं, 5 फुट मुरब्बे में रह जाएगी, और ये गोल शक्ल में होगी ऊपर जाके। आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो लंबी है, या ऐसे ऐसे ऊपर ले के जाएँगे, ऐसे वैसे ये कम होती जाएगी।
लेबर छुट्टी का टाइम हो चुका है, क्योंकि काफ़ी जो लेबर हैं वो नीचे पहुँच चुकी है मुँह हाथ धोने के लिए। ये नज़ारा मैं आपको चेक करवाता हूँ, ये देखें कैसा माहौल है, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा इस माहौल को। ये गांव का देसी माहौल है। ये जी मिस्त्री साहब हैं, तीसरे मिस्त्री साहब जो दीवारों की चुनाई लगाते हैं। ये चिमनी है जिस भट्टे की, चारों तरफ से जो धुआं आएगा इसी चिमनी से निकलेगा ऊपर की तरफ। इसके 60 फुट तक लंबाई जाएगी, देख सकते हैं आप। ये खुडे चेक करवाता हूँ, ये देखो दूसरी तरफ है बट्टे की। ये वाला माहौल चेक करें आप, देखें कितना खूबसूरत मंजर है। इस टाइम शाम का जो टाइम है काफी खूबसूरत मंजर है। ये आप देख सकते हैं आपके सामने, ये देखें दीवारों ने मुकम्मल कर ली। मैं आपको दूसरी तरफ चल के दे मैं आपको दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ, जहाँ पे एक और दीवार जो है मुकम्मल की जा रही है कच्ची ईंटों की, मैं आपको वो दिखाता हूँ चल के। ये देखें जी कच्ची ईंटों का स्टॉक लगा हुआ है, यहाँ से ऐसे ऐसे ये कच्ची ईंटें जो है ये ऊपर लेके जाएंगे। वो देखें जी, वो मेरे कजन वगैरह सारे इधर बैठे हुए भाई, ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है। उम्मीद है कि आज की वीडियो मेरी बहुत पसंद आएगी। अपने और सली गिलानी को इजाज़त दें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत